किसान सड़क पर हैं, युवा पेपर लीक से परेशान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसा विपक्ष बार बार कह रहा है। बेरोजगारी कहाँ पे? मैं तो भारत सरकार में नौकरी करता हूँ ना, इतनी वैकेंसी निकल रही है। मोदी ने कम से कम इस देश में जो कानून लगे हुए थे ना, 2000 या 3000 के किस्म के कानून थे, जिसका हमने मुंह नहीं देखना ना, क्या कहावत सुनी देश में, बोलो हमें यहाँ लेडीज में उसका सुबह सुबह जाके मुंह दे। पहले बच्चों का जो स्कूल में एडमिशन करना पड़ता था ना, एक काउंसलर का जाके ठप्पा लगाना पड़ता था। राहुल को पीएम बनाएंगे आप? क्या राहुल को पीएम बनाएंगे? राहुल का क्यों नाम लेते यार, जो बोला अभी उसने न्याय यात्रा कर रही थी ना, बोला सुबह चाय पीते हो तो स्टोव में कोयला डालना पड़ते हैं, फिर तुम कांग्रेस, फिर ये दिखा दो कि कांग्रेस ही बोल दो, वो बीजेपी करती है, कभी स्टोव में कोयला डालता है? कि मोदी जी ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, जो 1.5 घंटे का सफर था वो सिर्फ 1/2 घंटे में तय हो जाता है, अच्छे रोड बनवा दिए। और मैं ये भी कहूँगा मोदी हमेशा रहें, इस जन्म में मैं अपने बाप का हूँ किसन लाल का, अगले जन्म में मेरा बाप का नाम होना चाहिए मोदी। ये किसान बहुत परेशान है बेचारे, कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कभी भारत बंद, MSP ही तो मांग रहे हैं, कर क्या गुनाह कर दिया भैया, अन्नदाता है हम। किसान परेशान है, किसान देखो जाके गांव-गांव और ये माइक लगाओ, डोर टू डोर जाके खेतों में घुस जाओ, फिर पता चलेगा किसान कहाँ परेशान है। किसान बड़े खुशहाल है, आप कह रहे हो किसान परेशान है, भाई पूरे भारतवर्ष का किसान खुशहाल है। मैं 15 दिन में एक बार जरूर जाता हूँ गांव में, अच्छा, और सबसे मिलता हूँ, वो बहुत खुशहाल है। और अभी देखो क्या नाम बैठा हुआ है बॉर्डर पे कौन बैठा हुआ है? होली के बाद अभी फसल कटेगी, किसान लगा हुआ है मेहनत करने में, धरती माता के क्या नाम जब बीज बोता है ना, उसकी आराधना करता है, पूजा करता है, और तब फिर उसमें हल चलाता है, और फिर अब किसान फसल काटेगा होली के बाद में। ये तो उपद्रवी है, इनके बारे में पूछ रहे थे ना, ये कौन बैठा हुआ कौन है फिर? उपद्रवी बैठे हुए, अभी आपने देखा पीछे 2 साल पहले आए थे ये उपद्रवी, इन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी एक कि हमें एक बार अंदर आने दो और ऐसे परेड लेके नीचे निकल जाएंगे हम, तो परेड लेके आए और फिर क्या तूफान मचाया था यहाँ लाल किले पे, इन्हें शोभा दे रहा था वो। आज देश का बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि जो वहाँ लाल किले पर चढ़कर तिरंगे का अपमान कर रहा था वो इस देश का कैसे हो सकता है, देशद्रोही है वो, देशद्रोही है ये है। और ये किसान आंदोलन नहीं है, ये खालिस्तान आंदोलन है, अभी देश का और बंटवारा चाहिए। अरे कितने देश निकल गए इसमें से, बस क्या तथ्य है भाई साहब, क्या फैक्ट है? अब ये देखिए ये कहाँ से, आप इनका एंगल देखिए, क्या नाम कहाँ से किसान नजर आ रहे हैं। किसान मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ गांव में किसान का। अब देश में एक सेकंड, इस देश में क्या नाम, अभी दिल्ली में क्या अंदर किसान नहीं है? बहुत किसान है, ये सारे भाई किसान परिवार होते हैं है? और यहाँ किसान ये कह रहे हैं हमें अंदर आने दो, अब भाई अंदर तो किसान है, यहाँ नौकरी सर्विस कर रहे हैं वो भी किसान परिवार। दिल्ली तो सबका है ना, आने दो, क्या दिक्कत है, आने दो, आने तो दिया था इन्होंने, क्या उद्यमता रहा था, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए हैं। और क्या नाम, ये किसान होते तो किसान अपनी बात रखता है, ये बात रखने का तरीका है, इतनी महंगी 3 करोड़ की गाड़ी में बैठकर ऊपर चाय की चुस्की, किसान 2.5 करोड़ गाड़ी में नहीं बैठ सकता क्या है? किसान को आप ऐसे थोड़ी मापोगे भैया, किसान नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, विदेश से कहीं से इधर उधर इन्हें क्या नाम वहाँ से प्रोटेक्शन मिल रही है, कहीं से इन्हें सहारा मिल रहा है, तब ये यहाँ उदम तार रहे हैं। इनका बस एक एजेंडा है कि किस तरीके से ये देश ऊपर जा रहा है, इसमें बम फोड़ दो। मोदी आएंगे अभी अभी देखना, उधर योगी हैं, और अभी पर्वतों पे योगी क्या करते थे, ये ऋषि मुनियों की धरती है, ऋषि मुनियों का कार्य क्या था पीछे से 3 युग से देखिए हैं, क्या नाम वो पर्वतों पे बैठ के जब तब तपस्या करा करते थे, आज क्या नाम इन्हें नीचे उतरना पड़ गया है पृथ्वी पे है, और अभी संसद में 2-4-6 और आके बैठेंगे योगी जी जैसे, इधर मोदी और उधर योगी है, और ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, मैं आपको और अच्छे से समझा रहा हूँ, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के मुनि मंडल के गौ मंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, इन असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी, इसलिए समझ जाओ अब
ये मोदी आगे बढ़ रहा है, योगी जी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें, ये जो बैठे हैं और पीछे से जो सपोर्ट मिल रही है ना, कि योगी के मोदी के कालजीत धनुष पे जगजीत चढ़ा हुआ है, कहीं कोई गलत एक्शन ना ले लेना।